जलदाय विभाग की मनमानी, हजारों लीटर व्यर्थ बहता है पानी। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के पीछे उपखंड कार्यालय के पास सिंधी कॉलोनी में बनी जलदाय विभाग की पानी की टंकी में सिंधी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में पानी की सप्लाई की पाइप काफी पुरानी होने की वजह से जगह जगह पर क्षतिग्रस्त होकर प्रतिदिन हजारों लीटर व्यर्थ पानी को बहा देती है। जगह जगह पर सड़क को खोदकर जलदाय विभाग द्वारा लीकेज को बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह पर पानी प्रतिदिन व्यर्थ बहता रहता है, जिससे कॉलोनी के बाशिंदे लंबे समय से परेशान हैं। जलदाय विभाग का कहना है कि पाइप काफी पुराने हो गए हैं, जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लाखों रुपए की योजनाएं होने के बावजूद बरकरार है और यहाँ के बाशिंदे परेशान है। जलदाय विभाग के अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनके मजदूर प्रतिदिन इस कार्य पर लगे हुए हैं, इसके बावजूद पानी का लीकेज बंद नहीं हो रहा। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि जगह जगह पर सड़क खोदने की वजह से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है और हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता है। उनके घर में सिर्फ 10% पानी आता है, 90% पानी व्यर्थ सड़कों पर बह जाता है। टेम्पो नहीं। हाँ, मैं फखरुद्दीन बोल रहा हूँ सिंधी कॉलोनी से। 3 महीने से हम लोग इधर परेशान है। रमजान में हम लोग रात को 3 बजे इधर से निकलते थे, शहर रात को 10 बजे आते थे। दिन में 3 बजे 3 बार जाते थे आते थे। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे परेशान है, टेम्पो नहीं आ सकता, स्कूटर नहीं, मोटरसाइकिल, आप खुद देख रहे क्या हालत इधर सड़क की। 3 महीने से उनका ठेकेदार आता है, बोलता मुझे सामान, कभी बोलता मुझे सामान नहीं दे रहे, कभी 15 फीट पाइप कम पड़ रहा है, कभी उसके कपलिंग, कभी रबर लीक है, कभी क्या, रोज यही एक एक्सक्यूज है उसके पास, एक बहाना है। खोदते हैं, आज शादी में गए लेबर, आज मंदिर में पूजा करने गए, आज क्या करने गए, आज क्या करने गए, ये आप खुद देख रहे। 10 जगह रोड उन्होंने तोड़ के रखा हुआ है। दिन में लगभग कितना पानी निकलता है? दिन में 2-3 बार पानी खोलते आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 100% पानी में हमारे घर में 10% पानी आ रहा है। 90% पानी बह रहा है सड़क के ऊपर। इनको आपने कितनी बार शिकायत की, कंप्लेन की? ये अगर मैं आपको ये मैसेज दिखा सकता हूँ कितनी बार हमारे पार्षद को भी फोन किया। पार्षद तो सुमन गुप्ता है, वो तो कभी हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। उनके हस्बैंड फोन आते हैं, बोलता है ये हमारा काम नहीं है, नगर पालिका का काम नहीं है, आपको झूठ बोलने की आदत है। मेरे पास मैसेज है उनका। मतलब किसका काम बताते हैं वो? वो बोलता है वाटर वर्क्स का, वाटर वर्क्स। और तो बोलते हैं हम करवा रहे हैं, आदमी आ रहा है, ठेकेदार है। ठेकेदार बोलता है मैं एक आदमी हूँ, कभी बड़े बड़ी मोटर खराब होती है तो मैं उधर जाता हूँ, बड़े बड़े पाइप टूटे तो उनके पास जाता हूँ, वो रिपेयर करवाते हैं। मैं कहाँ कहाँ भागूँ अकेला आदमी, ये उसकी बात है। ठेकेदार मेरे जो बता रहा है ये सब चीज़ पता नहीं क्या करना है। नहीं है तो पानी मत दो, हमको पानी मत दो। इस तरह से खोद के रखते तो पानी बंद कर दो बिल्कुल ही। वो वाल सील लीक हो रही है 3 महीने से, इतना फुहारे की तरह पानी आता है जब पानी खोलते। की मैन बोलता हम जयन साहब को बता रहे हैं या बता दिया है, बस सबके एक ही जवाब है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।